हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, द वेट्स इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38 एंड 47। यहाँ पर हमें 15 स्टूडेंट्स का वेट दिया गया है इन केजी, और उसके बाद हमसे कहा गया है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डेटा, यानी हमें इस डेटा का मोड और मीडियन फाइंड करना है। और उसके बाद हमसे पूछा गया है इज देयर मोर देन वन मोड, क्या इस डेटा में एक से ज्यादा मोड है। तो सबसे पहले हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। जब भी हमें मीडियन निकालना होता है स्टूडेंट्स, तो हम डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अगर आप इस डेटा में देखें तो सबसे छोटा नंबर आपको नजर आएगा स्टूडेंट्स 32, और 32 कितनी बार आया है इस डेटा में, एक बार आया है। तो यहाँ पर हमने 32 को एक बार लिखा है। 32 से बड़ा नंबर इस डाटा में है 35, और 35 इस डाटा में कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो 35 भी हमने एक बार लिखा। 35 से बड़ा नंबर इस डाटा में है स्टूडेंट्स 36, और 36 भी इस डाटा में एक बार आया है, तो 36 भी हमने एक बार लिखा। 36 से बड़ा नंबर इस डाटा में है 37, और 37 भी एक बार आया है, तो 37 भी हमने एक बार लिखा। 37 से बड़ा नंबर यहाँ पर है 38, और देखिए 38 कितनी बार आया है, एक बार, और ये दो बार, और ये तीन बार, तो 38 को यहाँ हमने तीन बार लिखा। 38 से बड़ा नंबर इस डेटा में है स्टूडेंट्स 40, और 40 इस डेटा में एक बार आया है, तो 40 को हमने एक बार लिखा। 40 से बड़ा नंबर इस डेटा में है 42, और 42 कितनी बार आया है, एक बार आया है, तो 42 को भी हमने एक बार लिखा। 42 से बड़ा नंबर इस डेटा में है स्टूडेंट्स 43, और 43 कितनी बार आया है, 43 आया है एक, दो और तीन बार, तो 43 को हमने यहाँ तीन बार लिखा। 43 से बड़ा नंबर इस डेटा में है 45, और 45 कितनी बार आया है, एक बार, तो 45 को हमने यहाँ पर एक बार लिखा। 45 से बड़ा नंबर इस डेटा में है 47, और 47 एक बार आया है, तो 47 को हमने यहाँ एक बार लिखा। और 47 से बड़ा नंबर इस डाटा में है 50, और 50 कितनी बार आया है, एक बार, तो 50 को भी हमने एक बार लिखा। अब इस डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। अब हम सबसे पहले मोड फाइंड करेंगे। मोड क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी डाटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं किसी डाटा में जो वैल्यू सबसे ज्यादा बार आती है वही वैल्यू उस डाटा का मोड होता है। अब आप इस डेटा में चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि 38 यहाँ तीन बार आया है, और 43 भी तीन बार आया है, यानी 38 और 43 दोनों ही सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं तीन बार, इसलिए इस डेटा में दो मोड होंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा मोड इज इक्वल टू 38 एंड 43। अब हम मीडियन फाइंड करेंगे। मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो इस डाटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में तो पहले ही अरेंज कर लिया है। अब हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स कि इस डाटा में कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं। अब देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n इज इक्वल टू 15, विच इज ओड, क्योंकि 15 एक ओड नंबर है। और जब भी n ओड होता है तो हम मीडियन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं स्टूडेंट्स, मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन 2, ये ब्रैकेट लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं th टर्म। अब ये मीडियन यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू का साइन भी एज इट इज आएगा, एन की जगह हम यहाँ पर 15 लिखेंगे क्योंकि एन की वैल्यू कितनी है 15, प्लस का साइन एज इट इज आएगा, 1 एज इट इज आएगा, अपोन में ये 2 है, ये यहाँ पर 2 एज इट इज आ जाएगा अपोन में, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे टी एच टर्म। 15 प्लस 1 16 होता है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 16 आएगा, अपोन में ये 2 है, ये अपोन में 2 यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, ब्रैकेट भी एज इट इज और टी एच टर्म भी एज इट इज आएगा। अब 16 और 2 को आपस में सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि ये दोनों ही नंबर्स 2 की टेबल में आते हैं, तो हम इन दोनों को 2 से काटेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, 2 वन द 2 एंड 2 एट द 16।
अब हमें यहाँ पर क्या मिल गया है, एट्थ टर्म। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू एट्थ टर्म। अब याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अभी हमें मीडियन नहीं मिला है। एट्थ टर्म का मतलब ये है कि जो डाटा हमने अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें जो एट्थ टर्म की वैल्यू होगी वही मीडियन होगी। अब हम चेक करते हैं कि जो डाटा हमने अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में, उसमें एट्थ टर्म की वैल्यू क्या है। देखिए, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म, एट्थ टर्म। देखिए, एट्थ टर्म की वैल्यू यहाँ कितनी है, 40। तो मीडियन भी कितना होगा, मीडियन भी 40 होगा। इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है मीडियन इज इक्वल टू 40, क्योंकि एट्थ टर्म की वैल्यू 40 है। इसके बाद हमसे ये भी पूछा गया था स्टूडेंट्स कि क्या इस डेटा में एक से ज़्यादा मोड है, और हमने यहाँ पर देखा था कि इस डेटा में कितने मोड आए थे, दो मोड आए थे। एक मोड था 38 और एक मोड था 43। तो यहाँ पर हम लिखेंगे येस देयर आर मोर देन वन मोड, यानी कि इस डेटा में एक से ज़्यादा मोड है। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।